तो आपने देखा कि किस प्रकार जब एक विपत्र अनादृत हो जाता है और उसकी कंडीशन ये होती है कि वो एकत्रीकरण के लिए, कलेक्शन के लिए भेजा जा चुका था, तो किस प्रकार से पंजी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है विपत्र के का जब व्यवहार करते हैं उसके अंतर्गत, विपत्रों के नवीनीकरण की। यानी कि कई बार क्या होता है, हमने देखा कि जब उधार क्रय विक्रय किया जाता है तो जो क्रेता व्यापारी होता है वो विक्रेता व्यापारी द्वारा लिखे गए एक विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है। विक्रेता व्यापारी क्योंकि विपत्र को लिखता है इसलिए वो लेखक कहलाता है। क्या लिखता है वो विपत्र में कि हमने आपको ये माल बेचा है और कुछ समय पश्चात इतना रुपये आप मुझे देना स्वीकार करें। स्वीकर्ता क्योंकि उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है कि हाँ मुझे आपकी शर्त मंजूर है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रेता होता है वो विपत्र का स्वीकर्ता बन जाता है और जो लेखक होता है वो विपत्र का विक्रेता बन जाता है। अब यहाँ पर देखना ये होता है कि देय तिथि के बारे में जो डेट मेंशन है विपत्र पर, क्या विपत्र का स्वीकर्ता यानी कि क्रेता व्यापारी उस तिथि पर विपत्र की राशि का भुगतान कर पाने में सक्षम होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार जो विपत्र का स्वीकर्ता होता है, क्रेता व्यापारी होता है, वो स्वीकृति तो दे देता है लेकिन बहुत से कारण ऐसे होते हैं, बहुत सी कंडीशंस ऐसे बनती हैं कि वो देय तिथि पर विपत्र की राशि का भुगतान नहीं कर पाता। ऐसी तिथि में विपत्र के अनादरण होने से पहले या फिर परिपक्वता तिथि से पहले, हमने पहले भी परिपक्वता तिथि के बारे में जाना है कि क्या होती है, तो परिपक्वता तिथि से पहले ही पुराना विपत्र रद्द करके एक नया विपत्र नए डेट पे लिखने की जो स्वीकर्ता होता है वो प्रार्थना करता है। और यहाँ पर जो प्रक्रिया चलती है उसके अंतर्गत पुराना विपत्र जो लिखा गया होता है उसको रद्द कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नया विपत्र लिख दिया जाता है। कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे ही हम विपत्र का नवीनीकरण यानी रिटायरिंग ऑफ बिल कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी कंडीशंस बनती है, आलोकन व्यय भी कई बार पेबल होते हैं, कैश में होते हैं कई बार स्वीकर्ता द्वारा दे होते हैं। अलग अलग कंडीशंस में लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तकों में अलग अलग जनरल एंट्रीज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि विपत्र के नवीनीकरण पर लेखक और स्वीकर्ता दोनों की बहियों में कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। विपत्र के नवीनीकरण पर की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियां, लेखक की बहियों में प्रविष्टियां। सर्वप्रथम पुराने विपत्र को रद्द किया जाता है, इसके लिए विपत्र के अप्रतिष्ठित या अनादृत होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां होती हैं। पहला, स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, नवीनीकरण पर पुराना बिल रद्द किया। एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओल्ड बिल कैंसल और रिन्यूअल। सेकेंड, जब ब्याज की रकम का भुगतान करता स्वीकर्ता द्वारा नगद भुगतान किया जाता है तो उसकी प्रविष्टि निम्नलिखित होगी, रोकड़ खाता डेबिट ब्याज खाता से, ब्याज प्राप्त हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव। तीसरा, जब ब्याज की रकम नगद नहीं दी जाती है और उसी बिल की रकम में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्रविष्टि होगी, प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, ब्याज खाता से। टिप्पणी यहाँ हम लिखेंगे, नया बिल ब्याज सहित प्राप्त किया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, न्यू बिल रिसीव विद इंटरेस्ट। फोर्थ कंडीशन, जब विपत्र की आंशिक राशि स्वीकर्ता से नगद प्राप्त होती है, यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे रोकड़ खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, आंशिक भुगतान प्राप्त किया। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट, पार्शियल पेमेंट रिसीव। फिफ्थ एंट्री हम करेंगे, नया विपत्र स्वीकृत होने पर की जाने वाली प्रविष्टियां, प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, नया बिल प्राप्त किया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
to accept a personal account. New bill received. स्वीकर्ता की बहियों में की जाने वाली प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी। पहला, सर्वप्रथम पुराने विपत्र को रद्द करने के लिए लेखा किया जाएगा। देय विपत्र खाता डेबिट लेखक या धारक के व्यक्तिगत खाता से। पुराना बिल रद्द किया गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर पर्सनल अकाउंट। ओल्ड बिल कैंसल ऑन रिन्यूअल। दूसरा, जब ब्याज की रकम का भुगतान नगद किया जाता है तो इसकी निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। ब्याज खाता डेबिट रोकड़ खाता से ब्याज का नगद भुगतान किया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पेड इन कैश। तीसरा, जब ब्याज की रकम नगद नहीं दी जाती और उसे विपत्र की रकम में जोड़ दिया जाता है तो निम्न प्रविष्टि होगी। लेखक या धारक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देय विपत्र खाता से। नया बिल ब्याज सहित स्वीकार किया गया। ड्रॉवर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। न्यू बिल एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट। चौथा, जब विपत्र की आंशिक रकम का नगद भुगतान किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी। लेखक या धारक का व्यक्तिगत खाता डेबिट रोकड़ खाता से आंशिक भुगतान किया गया। ड्रॉवर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्शियल पेमेंट रिसीव। फिफ्थ, नए विपत्र की स्वीकृति देने पर निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। लेखक या धारक का व्यक्तिगत खाता डेबिट देय विपत्र खाता से। नया बिल स्वीकार किया। ड्रॉवर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। अशोक ने निर्मल को 5,000 रुपए का माल बेचा और उससे इस राशि के लिए 3 माह की अवधि पर स्वीकृति प्राप्त की। अशोक ने इसे अपने बैंक से 5% प्रतिवर्ष की दर से भुना लिया। देय तिथि पर बिल अनादृत हो गया और बैंक को 10 रुपए आलोकन व्यय करने पड़े। अनादरण के बाद निर्मल ने अशोक से देय राशि के लिए 3 माह के विपत्र लिखने की प्रार्थना की। अशोक ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक नया विपत्र 9% ब्याज सहित राशि का लिखा, जिसे निर्मल ने स्वीकार कर लिया। अशोक ने इसे अपने लेनदार उमेश को विपत्र का बेचान कर दिया। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। अशोक और निर्मल के बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं दो पक्षकार हैं, अशोक और निर्मल। अशोक ने निर्मल को माल बेचा, यानी कि अशोक जो है वो विक्रेता है, निर्मल क्रेता है। जो विक्रेता होता है वो विपत्र को लिखता है और क्रेता उसे स्वीकृत करके वापस विक्रेता को लौटाता है। यानी कि विक्रेता जो है वो लेखक है, लेखक कौन है यहाँ पर, अशोक है, और निर्मल कौन है, क्रेता यानी कि स्वीकर्ता। तो हमको अशोक की पुस्तक में लेखक के रूप में और निर्मल की पुस्तक में स्वीकर्ता के रूप में पंजी प्रविष्टि करनी है। तो चलिए सबसे पहले अशोक की पुस्तक में हम पंजी प्रविष्टि करें। तो यहाँ पर इस कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट वाइज हम जनरल एंट्री करते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में स्टेप दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री करते जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जबकि उसने अशोक ने निर्मल को माल बेचा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जनरल एंट्री होगी निर्मल डेबिट टू सेल बीइंग गुड सोल्ड टू निर्मल, और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, जबकि 3 माह की अवधि के विपत्र पर वो विपत्र लिखेगा अशोक, और निर्मल जो है स्वीकर्ता जो है वो स्वीकृति देगा वापस स्वीकृत करके अशोक यानी कि लेखक को उस विपत्र को वापस कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि जनरल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, निर्मल है। तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निर्मल अकाउंट, और अमाउंट हम 5,000 से ही लिखेंगे सब में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब अशोक ने इसे बैंक से 5% प्रतिवर्ष की दर से भुना लिया। तो भुनाने की एंट्री लेखक क्या जो होती है, हमने देखा था वीडियो में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और क्योंकि हमको यहाँ पर डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है तो बहुत सावधानी से यहाँ पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे,
5000 का ये बिल्स रिसीवेबल है, 3 मंथ के लिए लिखा गया है और 5% इसमें पर एनम जो है उस दर से ये बुनाया गया है। तो 5000 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 100 यानी कि 62.5 जो है वो इसका डिस्काउंट आ जाएगा। जब हम जनरल एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के डेबिट में बैलेंस अमाउंट जिसे हम नेट अमाउंट बोलते हैं वो लिखेंगे। तो वो नेट अमाउंट क्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो विपत्र है वो 5000 का है, तो 5000 में डिस्काउंट कितना हो गया, 62.5 रुपीज। तो यहाँ हम यहाँ 5000 में 62.5 को माइनस कर देंगे तो ये जो है वो हो जाएगा 4937.5, जिसको कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस जो डिस्काउंट के जो अमाउंट है 62.50 इसको हम डिस्काउंट के डेबिट में लिखेंगे और टोटल 5000 के अमाउंट को फिर हम बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो विपत्र बुनाया गया था देय तिथि पर ये विपत्र जो है वो अनादृत हो गया, तो अनादरण की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जो कि हो जाएगी निर्मल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वो विपत्र है जो कि बुना लिया गया था और बुनाने के बाद ये अनादृत हो रहा है। तो हमको अनादरण की जब कंडीशन आती है तो हमको बहुत सावधानी से देखना है कि अनादरण होने से पहले उस बिल की स्थिति क्या थी, क्या वो लेखक के पास था, ये किसी को बेचैन कर दिया गया था या भुगतान भुना लिया गया था, तो किस कंडीशन में उसका अनादरण हो रहा है ये हमको देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने देखा कि ये विपत्र अनादृत होने से पहले बट्टे पर भुना लिया गया था, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे लेखक के अकाउंट पे निर्मल डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ हमने जैसे कि वीडियो में देखा हमारी जनरल एंट्री होती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एक्सेप्टर यहाँ पर अभी हमारा निर्मल है तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे निर्मल डेबिट टू बैंक। और अब जबकि विपत्र जो है नया लिखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि अनादरण के बाद निर्मल ने अशोक से देय राशि के लिए 3 माह के विपत्र लिखने की प्रार्थना की और अशोक ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक नया विपत्र 9% ब्याज सहित राशि का लिखा गया। तो इस कंडीशन में जबकि विपत्र लिखा जाएगा नया विपत्र लिखा जाएगा, तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि इस कंडीशन में पुराना विपत्र जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और फिर नया विपत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ जनरल एंट्री जब पुराना विपत्र रद्द करेंगे तो अशोक यानी कि लेखक की पुस्तक में होगी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यानी कि निर्मल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे ओल्ड बिल कैंसल ऑन रिनेबल। 5000 से ही इसकी एंट्री अभी हम करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन जबकि ब्याज के बारे में दिया गया है यहाँ पर कि ब्याज 9% ब्याज सहित ये बिल लिखा गया है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और ब्याज की कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। 5000 का बिल है, 9% इसमें ब्याज देना है और 3 मंथ का ये बिल है, तो 30 रुपीज हम इसकी ब्याज की एंट्री यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। और अब जब नया विपत्र स्वीकृत किया जाएगा तो उस कंडीशन में लेखक की पुस्तक में जनरल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निर्मल अकाउंट, क्योंकि नया विपत्र जब लिखा जाता है तो नॉर्मली जो विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की एंट्री होती है वही एंट्री हम करते हैं जो कि होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, तो यही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। एक्सेप्टर यहाँ पर निर्मल है तो हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निर्मल। नेक्स्ट एक जो पॉइंट यहाँ दिया गया है वो ये है कि निर्मल ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर अशोक ने इसे अपने लेनदार उमेश को बेचान कर दिया, तो सारी चीजें इसमें आ गई है, उसने बट्टे पे भुना भी लिया, फिर वो विपत्र अनादृत भी हो गया, फिर नया विपत्र भी लिखा गया और अब उसने उस नए विपत्र जो लिखा हुआ था उसको भी बेचान कर दिया। तो लेखक की पुस्तक में यहाँ पर हम बेचान की भी एक एंट्री करेंगे। इस कंडीशन में उमेश जो है वो बेचान पात्र हो जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जनरल एंट्री होगी उमेश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो जाता है, तो क्योंकि विपत्र पर जो भुगतान की राशि है अब जो लेखक है विपत्र का अशोक जो है उसको तो प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि विपत्र चला गया है उमेश के पास,
तो बेचान पात्र के पास चला गया है, तो रिसीव की जो एंट्री होगी विपत्र पर, पैसे के प्राप्ति की जो एंट्री होगी वो बेचान पात्र यानी कि उमेश के पुस्तक में की जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह स्वीकर्ता यानी कि निर्मल की पुस्तकों में भी हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। निर्मल जो कि माल का क्रेता है, जब वो माल खरीदेगा तो जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त हो रहा है अशोक को, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अशोक डेबिट टू बिल्स पेबल 5000। ये नॉर्मल एंट्री जैसे हम करते थे बिल्कुल इसी तरह से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि अशोक इससे बैंक से 5% प्रतिवर्ष की दर से भुना लेता है, तो भुनाने की तो कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद जब देय तिथि पर बिल अनादृत हो जाता है और आलोकन वे 10 रुपए करने पड़े, तो कौन सा बिल अनादृत हो जा रहा है? वो बिल जो कि बैंक से बट्टे पर भुना लिया गया था। ऐसी कंडीशन में स्वीकर्ता क्या हम जनरल एंट्री करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब ड्रॉवर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशोक ड्रॉवर है और नोटिंग चार्जेस भी है 10 रुपीज, तो यहाँ हमारी प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आनंद। बिल्स पेबल के डेबिट में हम 5000 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस के डेबिट में हम 10 रुपीज लिखेंगे और टोटल आनंद के अकाउंट के क्रेडिट में हम 5010 रुपीज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि अनादरण के बाद निर्मल ने अशोक से देय राशि के लिए 3 माह का एक विपत्र लिखने की प्रार्थना की। यानी कुल मिलाकर यहाँ से विपत्र का नवीनीकरण स्टार्ट हो जाता है। और ये जो विपत्र का नवीनीकरण किया जाना है उस कंडीशन में पहले तो पुराने विपत्र को रद्द करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ हम एक पॉइंट और देख रहे हैं क्वेश्चन में कि अनादरण के बाद जो विपत्र लिखा गया है नया विपत्र, वहां पर अशोक ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि 9% ब्याज सहित एक नई राशि का विपत्र लिखा जाए। तो यहाँ हम 9% ब्याज की कैलकुलेशन भी कर लेंगे। 5000 रुपए का विपत्र है, 3 माह के लिए है, 9% प्रतिवर्ष की दर से है, तो यहाँ पर 112 रुपए यानी 50 पैसे यानी कि 113 रुपए जो है वो इसकी ब्याज की राशि हो जाएगी। और क्योंकि हम निर्मल यानी कि स्वीकर्ता के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी एक प्रॉपर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और 113 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्योंकि पुराना विपत्र जो था वो रद्द हो गया, ब्याज की हमने प्रविष्टि इसमें कर ली, अब हम जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो नया विपत्र लिखने की करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर आनंद डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी हम यहाँ नॉर्मली एंट्री करते हैं ड्रॉवर्स डेबिट टू बिल्स पेबल, लेकिन ड्रॉवर यहाँ पर अशोक है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अशोक डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और क्योंकि नया विपत्र जो है उसमें एक तो नोटिंग चार्जेस भी जुड़ा हुआ है और दूसरा इंटरेस्ट की अमाउंट भी उसमें जुड़ी हुई है, तो कुल मिलाकर ये 5000 प्लस 10 रुपीज नोटिंग चार्जेस प्लस 113 रुपीज इंटरेस्ट, तो ये टोटल 5123 रुपीज जो है वो नए विपत्र की अमाउंट हो जाएगी। राम ने 1 जनवरी 2008 को 3000 रुपए का माल विकास को बेचा और उक्त राशि के लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा जिसे विकास ने स्वीकृत कर वापस भेज दिया। राम ने उसे 30 रुपए के बट्टे पर बैंक से भुना लिया। भुगतान तिथि पर विकास विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ रहा तथा राम ने 3 माह के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज पर नया विपत्र लिखने के लिए प्रार्थना करता है। राम जिस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। राम और विकास की बहियों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 2 पक्षकार है, राम और विकास, क्योंकि बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर देखना है कि राम ने विकास को माल बेचा, यानी कि राम विक्रेता है यानी लेखक है और विकास क्रेता है इसलिए वो स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले हम राम की बहियों में पंजी प्रविष्टि करेंगे जिसमें पहली एंट्री हो जाएगी जबकि विकास को उधार माल बेचा जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री होगी विकास डेबिट विक्रय खाता से
विकास को उधार माल बेचा और 3000 से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। फिर 1 जनवरी को, क्योंकि राम जो है वो विकास को विपत्र लिखता है, जिस पर विपत्र स्वीकृत होकर जब वापस राम को यानी कि लेखक को प्राप्त होता है तो वो अपनी बहियों में एंट्री करता है प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से। अब स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर? विकास स्वीकर्ता है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे प्राप्य पत्र खाता डेबिट विकास से, और हम नरेशन यहाँ पर लिखेंगे विकास से स्वीकृति प्राप्त, 3000 रुपये से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब जबकि इस विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लिया गया है और बट्टा को कैलकुलेट करके भी दे दिया गया है 30 रुपये, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट बट्टा डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, तो बैंक हो जाएगा 2000। तो बैंक में हम अमाउंट लिखेंगे, टोटल 3000 का हमारा विपत्र था, इसमें से 30 रुपये जो है वो बट्टा हो गया, तो बचा 2970 रुपये। तो उस 2970 रुपये की जो बैलेंस अमाउंट है उसी को हम बैंक खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो बैंक खाते के डेबिट में हम लिखेंगे 2970, बट्टा में हम डेबिट में लिखेंगे 30 रुपये, और प्राप्य विपत्र खाता से यानी कि प्राप्य विपत्र खाते की क्रेडिट में हम टोटल अमाउंट जोड़कर लिखेंगे 3000, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्य विपत्र को बट्टे पर बुनाया गया। 14 जनवरी को हम देख रहे हैं कि जो विपत्र है वो अनादरित हो गया, और अनादरण की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, क्योंकि अनादरण अगर होता है तो स्वीकर्ता के पास वो विपत्र वापस चला जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री होती है स्वीकर्ता का खाता डेबिट बैंक खाता से। तो स्वीकर्ता यहाँ पर हमारा विकास है, तो विकास को हम डेबिट करेंगे यानी विकास डेबिट बैंक खाता से, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे विपत्र का अनादरण, 3000 रुपये से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर जो नया बिल प्राप्त कर रहे हैं, रिन्यूअल जो हम कर रहे हैं, जिसकी हमने अभी वीडियो हमने जिसके संबंध में देखा, तो जब रिन्यूअल होता है तो उस कंडीशन में हमारी जो जनरल एंट्री होती है नॉर्मली वो होती है प्राप्त विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता से ब्याज खाता से। तो स्वीकर्ता यहाँ पर विकास है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे प्राप्य विपत्र खाता डेबिट विकास से ब्याज से, और नरेशन हम लिखेंगे नया बिल प्राप्त किया ब्याज के साथ। तो इस पे हम चलिए ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो 3000 रुपये का विपत्र था, 3 माह के लिए लिखा गया, 12% प्रतिवर्ष की दर से लिखा गया, तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 3000 × 12 × 3 / 100 × 12, तो ये 90 रुपीज जो है वो इसका यहाँ पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज के क्रेडिट में हम लिखेंगे 90 रुपीज, विकास का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जिसमें हम लिखेंगे 3000 का प्राप्य पत्र था, और टोटल जो अमाउंट है प्राप्य पत्र के डेबिट में वो आ जाएगी 3090। अब क्योंकि हमको स्वीकर्ता की पुस्तकों में भी पंजी प्रविष्टि करनी है, तो स्वीकर्ता यानी कि विकास की पुस्तक में हम पंजी प्रविष्टि करेंगे, जिसमें हम पहले माल खरीदने की प्रविष्टि करेंगे। विकास जब राम से माल खरीदता है तो वो जनरल एंट्री करता है क्रय खाता डेबिट राम से, और नरेशन लिखता है उधार माल खरीदा, डेट यहाँ पर हम 1 जनवरी 2008 डाल लेंगे, और अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर 3000। अब सेकेंड स्टेप, जबकि विकास जो है वो राम के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देता है, तो विपत्र पर स्वीकृति देने की स्वीकर्ता के यहाँ एंट्री होती है लेखक का खाता डेबिट देवी पत्र खाता से। तो यहाँ लेखक राम है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट देवी पत्र खाता से, और नरेशन हम लिखेंगे देवी पत्र पर स्वीकृति दी, 3000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब अनादरण की हमको एंट्री करनी है, तो अनादरण जब होता है तो स्वीकर्ता की पुस्तकों में हमने देखा कि प्रविष्टि की जाती है प्राप्य पत्र खाता डेबिट लेखक से, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्राप्य पत्र खाता डेबिट राम से, और नरेशन हम लिखेंगे विपत्र का अनादरण किया गया, और 3000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जबकि ये जो विपत्र था अनादृत हो गया, अब उसका नवीनीकरण करना है, रिन्यूअल करना है, तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जब रिन्यूअल वाली कंडीशन आती है तो स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री की जाती है राम डेबिट देवी पत्र खाता से ब्याज खाता से। तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री की राम के अकाउंट के डेबिट में हम जो देवी पत्र की राशि है और जो ब्याज की राशि है दोनों को क्योंकि हमको जोड़ के लिखना है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी देवी पत्र खाते के डेबिट में 3000, ब्याज खाते के क्रेडिट में 9, और टोटल 3090 राम के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। 1 मार्च 2017 को एक्स ने वाई को 25000 रुपये का माल बेचा एवं उक्त राशि के लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा जिसे वाई ने स्वीकृत कर लौटा दिया। भुगतान तिथि पर वाई ने भुगतान की असमर्थता बतलाई
और 10,000 रुपए नगद दिए एवं शेष राशि के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 माह की अवधि के लिए नया विपत्र स्वीकार किया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया। एक्स और वाई की बहियों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक्स ने वाई को माल बेचा है, यानी कि एक्स विक्रेता है, विक्रेता मतलब वो लेखक है, और वाई क्योंकि माल खरीदता है मतलब वो प्राप्त करता है यानी कि स्वीकारता है। तो हम सबसे पहले एक्स यानी कि लेखक की पुस्तकों में एंट्री करेंगे और फर्स्ट एंट्री करेंगे जब वो वाई को माल बेचता है। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सेल टू वाई ऑन क्रेडिट 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन, जब लेखक यानी कि एक्स को विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होता है, वाई से स्वीकृत होकर प्राप्त होता है, तो लेखक अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करता है प्राप्य विपत्र खाता डेबिट वाई से, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाई वाई और 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जबकि ये जो स्वीकृत किया गया बिल था ये डिसऑनर्ड हो जाता है, अनादृत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लेखक के यहाँ जो एंट्री होती है उसमें हम करेंगे वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिल आर डिसऑनर्ड 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि 10,000 रुपए जो है वो नगद दे दिया गया टोटल और शेष राशि के लिए 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 माह का एक विपत्र लिखा गया है। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं कि कैश पेमेंट की एंट्री करनी है और उसके बाद नया विपत्र यानी कि विपत्र के नवीनीकरण की एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कंडीशन निर्मित होती है जबकि एक ही एंट्री में हमको कैश पेमेंट की भी एंट्री करनी है और विपत्र के नवीनीकरण की भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम कैश पेमेंट के लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्योंकि नवीनीकरण भी कर रहे हैं साथ में तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ वाई 10,000 कैश एंड ए बिल फॉर बैलेंस फॉर 3 मंथ और उसके बाद फिर हम 3 मंथ का उसका जो बिल जो बाकी जो बचता है 15,000 का उसका बिल यहाँ पर हम लिखेंगे। लेकिन साथ ही उसमें हम 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 माह की अवधि का एक जो ब्याज है उसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 यानी 375 जो है वो और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा जो कि हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो 15,375 ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा और फिर टोटल 25,375 जो है वो वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब क्योंकि पेमेंट इसके रिसीव हो रही है, जून का ये विपत्र था, 3 महीने के बाद ये पेबल है मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 1 सितंबर को इस पे कैश रिसीव होगा और इस कंडीशन में एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बैंक पेमेंट रिसीव 15,375। ऐसे ही हम वाई यानी कि स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री कर लेंगे। तो स्वीकर्ता यहाँ पर वाई है और जब वो एक्स से माल खरीदेगा परचेस करेगा तो फर्स्ट एंट्री 31 मार्च 2017 की वो अपने बुक में करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट और 25,000 से वो अपने बुक में एंट्री करेगा। उसके बाद जब वो विपत्र पर स्वीकृति देगा एक्स को तो वो एंट्री करेगा एक्स डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हम लेखक डेबिट दे विपत्र खाता से लिखते हैं तो लेखक यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर ही एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल और 25,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन बिल फॉर 3 मंथ। फर्स्ट जून को जब ये बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो डिसऑनर्ड की कंडीशन में स्वीकर्ता के यहाँ एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, तो ड्रॉवर यहाँ पर जो है वो एक्स है तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट बीइंग बिल्स आर डिसऑनर्ड 25,000 से और फिर इसके पेमेंट की जब एंट्री होगी जबकि पेमेंट यहाँ पर जो है 10,000 कैश करना है और बाकी के लिए एक बिल लिखना है और बिल जो है उसमें भी 10% जो है 3 मंथ का इंटरेस्ट लगना है। तो कैलकुलेशन हमने की थी जिसमें 375 इंटरेस्ट आया था उसको इंक्लूड करते हुए जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि बिल 25,000 का तो हमारा विनिमय विपत्र है
और उसमें से 10,000 हम कैश पे कर दे रहे हैं, यानी कि 15,000 का हमारा बिल बच रहा है। इसमें अब इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,375। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग पेमेंट ऑफ 10,000 कैश एंड बिल फॉर द 3 मंथ फॉर बैलेंस। तो यहाँ पर बैंक में अमाउंट आ जाएगी 10,000 की जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, और बैलेंस जो हमने विपत्र लिखा है और उसमें हमने ब्याज ऐड किया है, वो सब मिला के 15,375 की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और टोटल जो अमाउंट है एक्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी 25,375। अब 1 सितंबर को जबकि बिल का पेमेंट करना है, तो वहां पर नॉर्मल अभी तक जैसे हम बिल्स पेमेंट की पेमेंट की एंट्री करते थे, नॉर्मल हम वही एंट्री करेंगे। तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट मेड फॉर बिल 15,375।